हाँ भाई मैं इनकी वीडियो बनाया करूंगा जब तक मेरा भाई नहीं आता। थोड़ा तो खा लेते, तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और के इन बाल को करके अभी मगा चलिए भी खा लेंगे। मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने को, पता नहीं मेरे बेटे ने खाया होगा या ना। राम राम जी सारे ने, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक है। मेरी दादी की तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैंने अपनी दादी के लिए खाना बनाया है। शाम का टाइम हो गया, मेरी दादी बोल रही थी मेरे रोटी नहीं खाई जाती तो मैंने दादी के लिए खिचड़ी बनाई है। अब पता नहीं खिचड़ी भी खाएगी या ना खाएगी। तो गाइस खाना अंदर ले जाते हैं हम दादी के लिए। और मैंने तो बना भी इतनी ज़्यादा दी है ना दादी, अभी देखा सुनाएंगे। खाने का तो मन ही नहीं करता यार, जब मेरे पति घर में नहीं है तो उनके बिना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर कोशिश करती हूँ कि मेरी दादी को मैं थोड़ा सा खिला दूँ। अगर मेरी दादी नहीं खाना खाएगी तो हमारा क्या होगा। वही सारे जने अपने अपने उस पर बैठे हैं, कोई भी बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरी मम्मी देखो यहाँ पे बैठी है आराम से। मैं बोल रही हूँ खाना खा लो थोड़ा सा, तो पर बोल रहे कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरे बेटे ने पता नहीं खाया होगा कि नहीं। तो मैं अपनी दादी को ले जाती हूँ अभी अंदर, फिर मम्मी को दे दूँगी बाद में। मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाने को, पता नहीं मेरे बेटे ने खाया होगा या ना खाया होगा। मन ही नहीं कर रहा, क्या करूँ, बेटे बिना जिए नहीं लग रहे। भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका कैमरा कौन पकड़ रहा है, आप मतलब ऐसे सोच रहे होंगे कि कहीं आपके पति तो नहीं, आप हमें दूर तो नहीं बोल रहे हो। तो मेरे जो देवर है, मेरे चाची के बेटा है, मेरा देवर रहता है, मेरे तो भी छोटा है। मम्मी रोटी तो खा ले, मनो तो वो फिर खा ले तुम। क्यों फिर रोटी थोड़ा थोड़ा खा लो, होगा रोक रहेगा फिर आ जाएगा, आ जाएगा का मेरा जी नहीं कर रहा। तुम खा ले, कोई नहीं फिर क्या, रोटी तो खा ले, फिर तुम खा ले थोड़ी घनी, इतना फिर मैं खाऊंगी। दादी यार थोड़ा सा खा ले, बस दो चम्मच खा लिए। मैंने थोड़ा सा ला रखा है कटोरे में, कोई बात नहीं, पहले तुम खा लियो थोड़ी। मैं तेरी मारी खिचड़ी बनाई मगा, थोड़ा थोड़ा खा ले। और के दिन निकल रही खाना ही, फिर देखी जाएगी, पहले तुम खा लियो फिर खाऊंगी मैं तो। इन बच्चों के उससे खा ले, अपने पोते को उससे खा ले, थोड़ा तो खा ले, तेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और के इन बालकों करके अभी मगा चलिए भी खा लेंगे, खिचड़ी बना तेरी मारी बनाई खा ले। कोई बात नहीं, बच्चे ने रोना ना दे, उसने बुलो लियो। वही हमने रोटी पानी खा लिया, मैंने दादी को भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खिला दिया। अगर दादी खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे रहेगी। अभी भी मैंने कैमरा है जो स्टैंड पे लगा रखा है, और भाई ये मेरे देवर है, ये मेरी वीडियो बनाया करेगा, और मेरी चाची का बेटा है ये, और जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक मैं इनका सारा लूंगी और ये मेरी वीडियो बनाया करेंगे। हाँ भाई मैं इनकी वीडियो बनाया करूँगा जब तक मेरा भाई नहीं आता। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तीन चार दिन के बाद नहाए हैं, थोड़ा आज नहा के अच्छा लगा। और भाई कितने दिन तक ही हम ऐसे परेशान से रहेंगे? अब मेरे पति ऐसे थोड़ी है कि भाई हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, एक दो दिन में दो चार दिन में कभी ना कभी तो आएंगे ही, वो तो हम भी बिल्कुल खुश रहेंगे। और वो हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी गए, भाई थोड़े से परेशान थे तो इसीलिए कहीं चले गए। मैं उम्मीद करती हूँ माता रानी से कि भाई माता रानी जल्दी से जल्दी उनको भेज देगी। और मैंने कनिष्क को भी आज स्कूल भेजा है, मैंने बोला कि बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से वो बोला था नहीं मुझे पापा ही छोड़ के आएंगे, पापा ही छोड़ के आएंगे। पर मैंने उसको समझा के बिल्कुल ही उसको कह के कि नहीं बेटा स्कूल तो जाना है, तो स्कूल चला गया है बड़ी मुश्किल से। और मेरी दादी भाई अंदर बैठी हुई है, बच्चे को खिलान लग रही है। मेरा छोटा बेटा भी परेशान सा है, उसकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है, तो हमने दवाई लाई थी, चलो ठीक हो जाएगा वो भी। और कुछ लोग कहेंगे कि ये देखो भाई इसका पति जा रहा है, कितनी तैयार हो रही है, करेंगी ऐसे कमेंट भी कुछ लेडीज़। पर मैं तो तैयार भी होंगी, अब ऐसे थोड़ी हम रह सकते हैं। मैं तो मांग भी भरूंगी, बिंदी भी लगाऊंगी, लिपस्टिक भी लगाऊंगी, और बिल्कुल तैयार भी होंगे अपने पति के लिए कि जल्दी से जल्दी हो आ जाए। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे दिन में। तो भाई डुगू देख बेटा, हेलो कर दो डुगू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, उसको भाई जुकाम सा हो रहा है। मेरे प्यारे से बच्चे चक्कर तो नहीं आ जाए आपको।
गाइस आज मैंने अपने पुराने सूट निकाल लिया है। चाची बोल रही थी जब तूने नहीं पहनने तो दे दे, मैं अपने लिए ठीक कर लेती हूँ। तो मैं चाची के घर जा रही हूँ भाई। अभी डुगू को मैंने सुला दिया है और आपको बताया करिश्क स्कूल में गया, तो मैं चाची को सूट दे के आती हूँ। दादी मैं चाची के जाऊंगा। मैं चाची ले जाओ। बस आऊंगा दो मिनट। तो भाई मैं अपनी चाची के घर आ गई हूँ और मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है, ना मैं चाची के घर। जब मेरे पति थे तब मैं चाची के घर मतलब बहुत देर बैठ के आया करती थी, और ना मेरा अपने घर में मन लग रहा है। अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ खो गया है, मतलब ऐसे कुछ घर में कुछ खाली खालीपन सा हो गया है। लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। तो पहले भी मेरे पति घर से जाते थे, मतलब कहीं रिलेटिव अपनी रिश्तेदारी में मेहमान घूमने भी जाते थे, तब भी मतलब ऐसा फील नहीं होता था अकेलापन सा। आज कल तो मतलब वो चले गए, अगर से आजकल पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा फील हो रहा है। मैं तो माता रानी से बस यही दुआ करती हूँ कि प्लीज़ माता रानी जहाँ भी आओ बस ठीक रहे और जल्दी से उनको वापस भेज दो। और आजकल जो टाइम हम गुजार रहे हैं ना, मतलब जो ये दिन काट रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है। बस मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो। जो भी मेरे से छोटे बड़े हैं, मेरी बहन है, माता भाई, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो और मतलब मेरा सहारा बनो। मतलब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो प्लीज़, कोई भी गलत कमेंट ना करो, जिसको पढ़ के मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ। जब आप कमेंट करते हो ना कि प्लीज़ प्रिया जी आप टेंशन ना लो, तो मेरा मन ना थोड़ा खुश हो जाता है। जब कोई गलत कमेंट करता है ना, पहले ही बंदा इतना परेशान है, मैं तो डिप्रेशन में चली गई, तो ऊपर से ऐसे कमेंट पढ़ने पड़ते हैं तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लगता, फिर तो वीडियो बनाने का भी नहीं मन करता। पर मैं अगर कोई गलत कमेंट करेगा मैं फिर भी नहीं हार मानूंगी। देखो वीडियो तो मैं बनाऊंगी, हमने इतनी मेहनत किया, अपने चैनल को इतना खड़ा किया है, हमारे 13,000 सब्सक्राइबर हो गया, बहुत मेहनत लगी हमें इतना परिवार इकट्ठा करने के लिए। तो हम इसको एकदम से तो ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी और जल्दी से जल्दी मेरे पति भी आ जाएंगे और तब आप लोगों को हमारी पूरी फैमिली हंसती खेलती फैमिली जैसे पहले थी वैसी मिलेगी। पर आप लोग भी बस यही दुआ करना कि जल्दी से जल्दी मेरे पति आ जाए, और आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मतलब मुझे सपोर्ट करिए। बस और कुछ नहीं मुझे आप लोगों से चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जैसा आप पहले देते थे आप ऐसा ही अब भी दीजिए। और बस आज का ब्लॉग आप लोगों ने कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना गाइस, बस मतलब अच्छा कमेंट करना जिससे मैं खुश हो जाऊँ और मतलब मुझे भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ भाई मुझे भी कोई मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ देने वाले हैं। तो आप लोग जैसे मैं आप लोगों को अपना परिवार समझती हूँ, आप भी मुझे ऐसे ही अपना समझिए, तभी आप लोगों के साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। इस हालत में भी आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ, बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर मैं सोचती हूँ जब आप लोग मुझे अपना समझते हो तो मैं भी आप लोगों को अपना समझती हूँ, इसीलिए मैं आपको हर एक अपडेट देती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है।